डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने केलं या भूमीला माझे प्रणाम। काशी हा प्राचीन ज्ञान नगरी आहे। नागपूर बनू सकता का? मंचावर बसलेले सगळे महानुभाव, आज एक साथ इतनी बड़ी लंबी सूची है, सबके नाम बोल नहीं रहा हूं, काफी लोगों ने बोल दिया, आपको याद रह गए होंगे। एक साथ इतने सारे प्रकल्प आज नागपुर की धरती से देश को समर्पित हो रहे हैं, आवाज आग लगा। अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की जन्म जयंती का प्रेरक अवसर है। ये मेरा सौभाग्य रहा कि आज प्रातः दीक्षा भूमि में जाकर के उस पवित्र धरती को नमन करने का अवसर मिला। एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा लेकर के मैं आपके बीच आया हूं। इस देश के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, गांव, गरीब, किसान, हर किसी के जीवन में आजाद भारत में उनके सपनों का क्या होगा, उनकी आशा आकांक्षाओं का क्या होगा, क्या आजाद भारत में इन लोगों की भी कोई पूछ होगी कि नहीं होगी, इन सारे सवालों के जवाब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के माध्यम से देशवासियों को दिए थे, गारंटी के रूप में दिए थे। और उसी का परिणाम है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं के कारण आज देश के हर तबके के व्यक्ति को कुछ करने के लिए अवसर सुलभ है। और वही अवसर उसके सपनों को साकार करने के लिए उमंग और उत्साह के साथ जी जान से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैंने जीवन में
मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि अभाव के बीच में पैदा होकर के भी किसी भी प्रकार के प्रभाव से प्रभावित हुए बिना अभावों के रहते हुए भी प्रभावी ढंग से जीवन की यात्रा को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा सकता है और वो प्रेरणा बाबा साहब अंबेडकर से मिलती है। अभाव का रोना रोना नहीं रोना और प्रभाव से विचलित नहीं होना, ये संतुलित जीवन दबे कुचले हर किसी के लिए एक ताकत बन जाता है और वो ताकत देने का काम बाबा साहब आंबेडकर ने अपने जीवन से दिया है। कभी कभार व्यक्ति के जीवन में अविरत रूप से जब कटु अनुभव रोज की जिंदगी का हिस्सा बन जाता हो, अपमानित होना, प्रताड़ित होना, तिरस्कृत होना, अगर इंसान छोटे मन का हो तो ये चीजें घर में, मन मंदिर में, मन मस्तिष्क में किस प्रकार से कटुता के रूप में भर जाती है। और मौका मिले तो कभी लगता है यार इसको दिखा दूंगा, ये मेरे साथ किया था, बचपन में मेरे साथ ये हुआ था, स्कूल गया तो ये हुआ था, नौकरी करने गया तो ये हुआ था, क्या कुछ मन में नहीं हो सकता है। लेकिन ये भीमराव अंबेडकर थे, इतनी बुराइयों से सामना करना पड़ा, इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी, लेकिन खुद के जीवन में जब मौका आया रति भर उस कटुता को बाहर आने नहीं दिया, बदले का भाव अंश भर भी न संविधान में कभी प्रकट हुआ, न कभी उनकी वाणी में प्रकट हुआ, न उनके कभी अधिकार क्षेत्र में प्रकट हुआ। व्यक्ति की ऊंचाई ऐसे समय कसौटी कसने के पर पता चलता है तो कैसा महानतम व्यक्तित्व होगा। हम शिवजी को जब उनकी महानता की चर्चा सुनते हैं तो कहते हैं जहर पी लिया था, बाबा साहब आंबेडकर ने जीवन में हर पल जहर पीते पीते भी हम लोगों के लिए अमृत वर्षा की थी। और इसलिए उस महापुरुष की जन्म जयंती पर, और वो भी जिस धरती पर उनका नव जन्म हुआ उस दीक्षा भूमि पर प्रणाम करते हुए देश के चरणों में एक नई व्यवस्था देने का आज प्रयास हम कर रहे हैं। आज अनेक योजनाओं का प्रारंभ हो रहा है, नए भवनों का प्रारंभ हो रहा है, करीब 2000 मेगावाट के बिजली के कारखाने का लोकार्पण हुआ, ऊर्जा वो जीवन का अटूट अंग बन गई है, विकास का कोई भी सपना ऊर्जा के अभाव में संभव नहीं होता है। और 21वीं सदी में ऊर्जा
एक प्रकार से हर नागरिक का हक बन गया है, लिखित हो या न हो बन चुका है। देश को 21वीं सदी में प्रगति की ऊंचाइयों पर ले जाना है, अगर भारत को आधुनिक भारत के रूप में देखना है तो ऊर्जा उसकी पहली आवश्यकता है। और एक तरफ पर्यावरण की चिंता के कारण विश्व थर्मल पावर को चुनौती दे रहा है, तो दूसरी तरफ विकसित देशों के लिए वही एक सहारा होता है। वैश्विक स्तर पर इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट के बीच जब रास्ता निकालना है तब भारत ने भी बीड़ा उठाया है कि हम पूरे विश्व को परिवार मानने वाले लोग हैं, पूरे ब्रह्मांड को अपना मानने वाले लोग हैं, हमारे द्वारा हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जो भावी पीढ़ी के लिए कोई संकट पैदा करे। और इसलिए भारत ने 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का सपना देखा है। सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, हाइड्रो के प्रोजेक्ट्स हो। और आप जब नितिन जी बड़े गर्व के साथ बता रहे थे कि नागपुर वासियों का जो गंदा पानी है वो बिजली के उत्पादन में काम लाया जाता है, रिसाइकल किया जाता है, एक प्रकार से पर्यावरण के अनुकूल ये इनिशिएटिव है, मैं इसके लिए नागपुर को बधाई देता हूं। और देश के अन्य भागों में भी जीरो वेस्ट का कंसेप्ट धीरे धीरे पनप रहा है। आज यहां आवास निर्माण का भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया गया, उसका भी प्रारंभ हुआ है। 2022 आजादी के 75 साल हो रहे हैं, पल भर के लिए हम 75 साल के पहले की जिंदगी की जीने का प्रयास करके देखें, हम उस कल्पना विश्व में पहुंचे 1930, 40, 50 के पहले का कालखंड, जब देश के लिए लोग जान की बाजी लगा देते थे। हिंदुस्तान का तिरंगा फहराने के लिए फांसी के तख्त पर चढ़ जाते थे। मां भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए जवानी जेल में खपा देते थे, मृत्यु का आलिंगन करते थे। हंसते हंसते देश के लिए मर मिटने वालों की कतार कभी बंद नहीं हुई थी। इस देश के वीरों ने वो ताकत दिखाती थी कि फांसी के फंदे कभी कम पड़ जाते थे, लेकिन मरने वाले देश के लिए शहादत देने वालों की संख्या कभी कम नहीं हुआ करती। अनगिनत बलिदानों का परिणाम था कि भारत मां हमारी आजाद हुई है। लेकिन आजादी के दीवानों ने भी तो कुछ सपने देखे थे, उन्होंने भी भारत कैसा हो एक इरादा रखा था। उनको तो वो सौभाग्य मिला नहीं आजाद हिंदुस्तान में सांस लेने का, हमें सौभाग्य मिला नहीं उस आजादी के आंदोलन के लिए अपनी जिंदगी खपाने का। लेकिन हमें मौका मिला है, देश के लिए मरने का मौका न मिला, देश के लिए जीने का मौका मिला है। क्या 2022 जब आजादी के 75 साल हो रहे हैं, आज हम 2017 में खड़े हैं, 5 साल का समय हमारे पास है, 125 करोड़ देशवासी अगर संकल्प करें कि जिन महापुरुषों ने आजादी के लिए जीवन लगा दिए उनके सपनों का भारत बनाने के लिए मेरी तरफ से इतना योगदान होगा,
मैं भी कुछ करके रहूंगा और संकल्प करके करके रहूंगा और सही दिशा में करके रहूंगा। मैं नहीं मानता हूं कि 2022 आते आते देश विश्व के सामने खड़े होने की ताकत के साथ खड़ा नहीं होगा, मुझे कोई आशंका नहीं। और उसमें एक सपना है हमारा, 2022 जब आजादी के 75 साल हो तब मेरे देश के गरीब से गरीब का अपना घर हो, इस देश का कोई गरीब ऐसा ना हो जिसको अपना रहने के लिए घर ना हो, अपनी छत ना हो, और घर भी ऐसा हो जिसमें बिजली हो, पानी हो, चूल्हा हो, गैस का चूल्हा हो, नजदीक में बच्चों के लिए स्कूल हो, बुजुर्गों के लिए नई नजदीक में अस्पताल हो, ऐसा हिंदुस्तान क्यों नहीं देख सकते? क्या 125 करोड़ देशवासी मिलकर के हमारे देश के गरीब के आंसू नहीं पहुंच सकते? भीमराव अंबेडकर ने जिस सपनों को लेकर के संविधान में रचना की है, उन संविधान को जी करके दिखाने का अवसर आया है। हम 2022 के लिए संकल्प करें, कुछ कर गुजरने का इरादा लेकर के चल पड़े। मैं मानता हूं कि सपना पूरा होगा। मैं महाराष्ट्र सरकार को बधाई देता हूं कि भारत सरकार की योजना के साथ महाराष्ट्र भी कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ रहा है और बहुत बड़ी मात्रा में घर बनाने की दिशा में काम चल रहा है और उससे लोगों को रोजगार भी बहुत मिलने वाला है। गरीब को घर तो मिलेगा लेकिन घर बनाने वालों को रोजगार भी मिलेगा। सीमेंट बनाने वालों को काम मिलेगा, लोहा बनाने वालों को काम मिलेगा, हर व्यक्ति को काम मिलेगा, एक प्रकार से रोजगार के सृजन की भी बड़ी संभावना। और हिंदुस्तान के हर कोने में अपने अपने तरीके से घर बनाने का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, आज उसका भी एक प्रारंभ करने का मुझे अवसर मिला। 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। अब मानव इतिहास इस बात का गवाह है, जब जब मानव जात ज्ञान युग में रही है तब तब हिंदुस्तान ने नेतृत्व किया है। 21वीं सदी ज्ञान का युग है, भारत को नेतृत्व देने का एक बहुत बड़ा अवसर है। आज यहां एक साथ IIIT, IIM, एम्स, एक के बाद एक से बढ़कर एक, और यहां नए भवनों का निर्माण में ये सारी इंस्टीट्यूशंस चलेगी। महाराष्ट्र के और देश के नौजवानों को अपना भाग्य बनाने के लिए, आधुनिक भारत बनाने के लिए, अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए इन संस्थानों के द्वारा अवसर मिलेगा। मेरी युवा पीढ़ी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। या जब मैं उनको, मेरे देश की युवा पीढ़ी को ये अर्पित कर रहा हूं, मेरी उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज पिछले कुछ दिनों से डिजिटल इंडिया की दिशा में हम काम कर रहे हैं और बहुत व्यापक रूप से काम कर रहे हैं। उसका एक फलक है डिजिधन, और मेरा मत है वो दिन दूर नहीं होगा, गरीब से गरीब व्यक्ति कहने लगेगा डिजिधन निजी धन। ये डीजी धन निजी धन ये गरीब की आवाज बनने वाला है। मैंने देखा बड़े बड़े विद्वान विरोध करने के लिए ऐसा विरोध कर रहे थे कि मोदी जी अब कह रहे हैं कि कैशलेस सोसाइटी ढिंकना फलाना न जाने, मैंने ऐसे ऐसे भाषण सुने तो रात को फिर मुझे बड़ा व्यंग विनोद के लिए और कुछ करना नहीं पड़ता था। उनको याद कर लेता था तो मुझे बड़ा, मैं हैरान था बड़े बड़े विद्वान लोग क्या बोल रहे थे। कम कैश, घर में भी आपने देखा होगा धनी से धनी परिवार होगा, बेटा हॉस्टल में रहता होगा तो भी मां बाप के बीच में चर्चा होती है
एक साथ ज्यादा पैसा मत भेजो, कहीं बेटे की आदत बिगड़ जाएगी। धनी से धनी परिवार भी, गरीब से गरीब परिवार भी, बेटा कहेगा मां मुझे आज 5 रुपया दो, तो बाप समझाता है कि नहीं नहीं बेटा ऐसा करो 2 रुपया ले जाओ, 2 रुपये से चला लो। कम कैश ये जीवन में भी महत्व रखती है, हम परिवार में अनुभव करते आए हैं। सुखी से सुखी परिवार भी बंडल के बंडल बेटों को नहीं देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है इससे क्या क्या होता है, अच्छा कम होता है, बुरा ज्यादा होता है। जो व्यक्ति के जीवन में है वही समाज के जीवन में होता है, वही राष्ट्र के जीवन में होता है, वही अर्थव्यवस्था के जीवन में भी होता है। ये सीधी सीधी सरल समझ को हमने व्यवहार में लाना चाहिए। कम कैश, कम नगद, इससे कारोबार चलाया जा सकता है। और कोई एक जमाना था जब सोने की ही लगड़ी ही करेंसी रहती थी, सोने की गिनी हुआ करती थी। बदलते 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 कभी चमड़े का भी आया, कभी कागज का भी आया, न जाने कितने बदलाव आए, और हर युग ने हर बदलाव को स्वीकार किया है। हो सकता है उस समय भी कुछ लोग रहे होंगे जो कुछ कहते होंगे, शायद उस समय अखबार नहीं होंगे इसलिए छपता नहीं होगा, लेकिन कुछ कहते तो होंगे ही होंगे, उस समय भी विवाद भी रहे होंगे लेकिन बदलाव भी हुए होंगे। अब वक्त बदला है, आपके पास अल्टरनेट व्यवस्थाएं अवेलेबल है, सुरक्षित व्यवस्थाएं अवेलेबल है, और उसमें से भीम ऐप, और मैं मानता हूं भारत के संविधान में सामान्य मानवीय को हक देने का काम जिस तरीके से भीमराव अंबेडकर ने किया है, उसी तरीके से भीम ऐप अर्थव्यवस्था के महारथी के रूप में काम करने वाली है। ये मेरे शब्द लिख करके रखिए, कोई रोक नहीं पाएगा, ये होके रहने वाला है। आप हैरान होंगे, हिंदुस्तान जैसे देश में करेंसी छापना, छाप करके पहुंचाना, सुरक्षित पहुंचाना अरबों खरबों रुपये का खर्च होता है। अगर इन व्यवस्थाओं से पैसे बच जाए तो कितने गरीबों के घर बन जाए दोस्तों, कितनी बड़ी देश सेवा हो जाए। और ये सब संभव है इसलिए करना है, संभव ना होता तो नहीं कर रहा। वो भी गुजारा करते थे पहले, वो व्यवस्था थी जरूरी थी, करते थे। अगर कम कैश की दिशा में हम तय करें, आप देखिए बदलाव संभव है। मैं तो हैरान हूं, एक एक एटीएम की रक्षा के लिए 5-5 पुलिस वाले लगे रहते हैं। एक इंसान को सुरक्षा के लिए पुलिस देने में कभी दिक्कत होती है, एटीएम के लिए खड़ा रखना पड़ता है। अगर कम कैश का कारोबार हो जाए, आपका मोबाइल फोन ही आपका एटीएम बन जाएगा। और वक्त दूर नहीं है जब प्रिमाइसिस लेस एंड पेपरलेस बैंकिंग ये जीवन का हिस्सा बनने वाला है। जब प्रिमाइसिस लेस पेपरलेस बैंकिंग जीवन का हिस्सा बनने वाला है, इसका मतलब हुआ कि आपका मोबाइल फोन ये सिर्फ आपका बटवा नहीं, आपका मोबाइल फोन आपकी अपनी बैंक बन जाएगा। टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन आर्थिक जीवन का हिस्सा बन रहा है, और इसलिए 25 दिसंबर को जब ये डिजी धन योजना को लॉन्च किया गया था, जिस दिन लॉन्च किया था क्रिसमस की शुरुआत थी, हैप्पी क्रिसमस के साथ शुरू किया था, 100 दिन तक 100 शहरों में चला, और आज उसकी पूर्णाहुति एक प्रकार से इधर 14 अप्रैल बाबा साहब आंबेडकर की जन्म जयंती,
भीम ऐप का सीधा संबंध और दूसरी तरफ गुड फ्राइडे का दिन, क्रिसमस के दिन प्रारंभ किया था, हंसी खुशी के साथ शुरू किया था, यात्रा करते 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 हम चल पड़े। आज कभी लोगों को लगता था कि जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है क्या करेंगे, मैं पार्लियामेंट में बहुत भाषण, बड़े इंटरेस्टिंग भाषण है सबके, देश के पास स्मार्टफोन नहीं है, डिकना नहीं है, फलाना नहीं है। हमने उनको समझाया भाई 800-1000 रुपया वाला फीचर फोन से भी गाड़ी चलती है, लेकिन हम खैर जिसको समझना नहीं उसको कैसे समझाएंगे। लेकिन अब तो आपको मोबाइल फोन की आवश्यकता नहीं है, अब आप ये नहीं पूछोगे कि क्या करेंगे, आपके पास अंगूठा तो है ना। एक जमाना था अनपढ़ होने की निशानी हुआ करती थी, युग कैसा बदल गया है, वही अंगूठा आपकी शक्ति का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। यहां सारे नौजवान दिन में 2-2 घंटे अंगूठे पर लगे रहते होंगे, मोबाइल फोन लेकर के मैसेज लगते हो गए। टेक्नोलॉजी ने अंगूठे को ताकतवर बना दिया है, और इसलिए भीम आधार भारत गर्व कर सकता है, दुनिया के टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश के पास भी ये व्यवस्था नहीं है जो हिंदुस्तान के पास है। अब जो लोग भीम ऐप पर विवाद करने के बाद भी लोग स्वीकार करते गए, तो अब वो आधार पर विवाद करने में लगे हुए हैं, वो उनका काम है, करते रहेंगे। आपके पास मोबाइल फोन हो या ना हो, आपका अगर आधार नंबर है, आप स्वयं किसी दुकानदार के यहां गए हैं और उसके पास छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होगा, बड़ा पॉश मशीन की भी जरूरत नहीं होगी, छोटा सा एक होगा 2 इंच बाय 2 इंच का, वो आपका अंगूठा वहां लगवा देगा, और उससे अगर आपका पहले से बैंक के साथ आपका आधार नंबर जुड़ा हुआ है, अगर आपने 10 रुपया का माल लिया है तो 10 रुपया आपका ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, 1 रुपया साथ में ले जाने की जरूरत नहीं, कहीं आपका कारोबार रुकेगा नहीं। कितनी उत्तम व्यवस्था की दिशा में हम जा रहे हैं, और इसलिए आज जो भीम आधार एक ऐसा वर्जन, और मैं आप देखना जी, वो दिन दूर नहीं होगा दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज इस भीम आधार का केस स्टडी करने के लिए भारत का पर आएगी, सारे नौजवान स्टडी करेंगे दुनिया में आर्थिक बदलाव क्या हो सकता है, कि इसका ये आधार बनने वाला है जी, ये रेफरेंस पॉइंट बनने वाला है। और मैं कल ही हमारे रविशंकर जी को कहता था, क्या भारत सरकार ने इसका पैटर्न करवाया कि नहीं करवाया है, क्योंकि होने वाला है, दुनिया इस विषय को अपना विषय बनाने के लिए, मुझे अभी अफ्रीकन देशों के जितने मुखिया लोग मिले तो उन्होंने मेरे से इसकी जिज्ञासा भी की, और ये भी चाहा था क्या हमारे देश के लिए आप कर सकते हैं क्या, धीरे धीरे इसका वैश्विक विस्तार का कारण भी बन सकता है और भारत एक बहुत बड़े कैटलिस्ट एजेंट के रूप में काम कर सकता है। इस डिजी धन योजना के तहत हिंदुस्तान के 100 अलग अलग शहरों में कार्यक्रम किए गए, लाखों लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, टेक्नोलॉजी को समझने का प्रयास किया, स्वीकार करने का प्रयास किया, और बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को इनाम मिले। और आज जिन लोगों को इनाम मिला उसमें से एक सज्जन चेन्नई के, उन्होंने तो घोषणा कर दी कि मुझे जो इनाम मिला है वो मैं गंगा सफाई के लिए समर्पित कर देता हूं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और वैसे भी ये डीजी धन सफाई अभियान ही है, भ्रष्टाचार काले धन के खिलाफ लड़ाई का एक बहुत बड़ा माजा रखता है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, कम कैश विचार आपको पसंद आए या ना आए, कैशलेस सोसाइटी का सपना आपको अच्छा लगे या ना लगे, नोटों के बिना जिंदगी कैसे गुजरेगी आपके मन में सवाल या निशान हो या ना हो,
लेकिन इस देश में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके दिल दिमाग में भ्रष्टाचार के प्रति गुस्सा ना हो। देने वाला भी गुस्सा करता होगा और कभी लेने वाला भी रात को जाकर के सोचता होगा, यार अब मोदी आया है कहीं फंस जाऊंगा तो क्या होगा। बहुत बुरा हुआ है, लेकिन आगे बुराई से बचने के लिए एक उत्तम साधन है। जो भी भीम आधार के सहारे आगे बढ़ना मदद करेंगे मेरी, वो एक प्रकार से भ्रष्टाचार और काले धन की लड़ाई लड़ने के सिपाही है मेरे लिए, बहुत बड़ी ताकत है मेरे देश की। और इसलिए मैं इसे निमंत्रित देता हूं नौजवानों को। और इसमें दो नई चीजें जोड़ी है इस बार, और अभी तो योजना यह है कि वो 14 अक्टूबर तक हम चलाएंगे। आज 14 अप्रैल है, 14 अक्टूबर इसलिए कि 14 अक्टूबर को बाबा साहब आंबेडकर ने दीक्षा ली थी। वो बाबा साहब आंबेडकर का दीक्षा का वो पवित्र अवसर था 14 अक्टूबर, और इसलिए आज 14 अप्रैल से 14 अक्टूबर तक एक विशेष योजना है। आज देखा होगा आपने, अच्छे परिवार के नौजवान भी, उनके दिमाग में भी है कि हम वैकेशन में कुछ न कुछ काम करें और खुद कमाई करें। धनी परिवार के बच्चे भी अपनी पहचान छुपा करके ऐसी जगह पे जाते हैं और ऐसे काम करते हैं, खुद को ट्रेन करना चाहते हैं। जिस सर्कल में वो पैदा हुए वहां वो मौका नहीं मिलता है। वो होटल में जाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, चाय परोसते हैं, इस प्रकार से काम करते हैं, कई पेट्रोल पंप पे जाकर काम करते हैं। एक गर्व से जीने का आज नई पीढ़ी का दिमाग में ये चीजें आ रही है। पहले हम सुनते थे विदेश में नौजवान सब रात को जाकर के दो दो तीन तीन घंटे ऐसी मेहनत का काम करते हैं, टैक्सी चलाते हैं, डिकना करते हैं, फलाना करते हैं, उस कमाई करते हैं और फिर पढ़ते रहते हैं। आज हिंदुस्तान में ये चीज आई है, ऐसा नहीं नहीं है, हमारा ध्यान नहीं गया है। इस भीम आधार के तहत मैं इस वैकेशन में मैं मेरे देश के नौजवानों को निमंत्रित करता हूं। इसमें एक योजना है रेफरल की, यानी अगर आप किसी को भीम ऐप के संबंध में समझाएंगे, किसी मर्चेंट को समझाएंगे, किसी नागरिक को समझाएंगे, उसके मोबाइल पर भीम ऐप डाउनलोड करवाएंगे और आपकी प्रेरणा से वो 3 ट्रांजैक्शन करेगा, कभी 50 रुपए की चीज खरीदेगा, कभी 30 रुपए की खरीदेगा, कभी 100 रुपए की खरीदेगा, ये आपके द्वारा अगर हुआ है तो एक अगर आपने व्यक्ति को इसमें जोड़ा तो सरकार की तरफ से आपके खाते में 10 रुपया जमा हो जाएगा। अगर एक दिन में आप 20 लोगों को भी कर लें तो शाम को जेब में 200 रुपया आपके खाते में आ जाएगा। अगर वैकेशन के 3 महीना तय कर ले कि रोज 200 रुपया कमाना है, बताइए मेरे नौजवान साथियों, ये कोई मुश्किल काम है क्या आपके लिए? सामने से कुछ लेना देना नहीं, उसको सिर्फ सिखाना है, समझाना है। और जो व्यापारी अपने दुकान पर भीम ऐप को लागू करेगा, कारोबार उससे शुरू करेगा, तो उसको जो उसके मिनिमम जो रैंक होगा उतना करेगा तो उसको 25 रुपया मिलेगा, उसके खाते में 25 रुपया जमा होगा। यानी जिसको आप समझाना है उसको समझा सकते हैं कि देख मुझे तो 10 मिल रहा है लेकिन तेरे को 25 मिलने वाला है।
और ये योजना 14 अक्टूबर तक चलेगी, बाबा साहब अंबेडकर का दीक्षा प्राप्त करने वाला दिवस था वो। 6 महीने हमारे पास है, हर नौजवान इस वैकेशन में 10,000-15,000 रुपए आराम से कमा सकता है। और आप भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई जीतने के लिए मेरे सबसे बड़े मददगार बन जाएंगे, और इसलिए मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि इस योजना में उसकी बारीकी जो लिखित होगी वही फाइनल। मैं समझाने के लिए थोड़ा प्लस माइनस बोल रहा हूं, लेकिन जब आप लिखित पढ़ेंगे तो पक्की योजना आपको समझ आ जाएगी। और मैं चाहता हूं, मैं देश के नौजवानों को चाहता हूं कि अब एग्जाम हो गई है, मोबाइल फोन उठाइए, इस व्यवस्था को समझिए और पर डे 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग में लग जाइए। आप शाम को 200-300 रुपया कमा करके घर चले जाएंगे और पूरे वैकेशन में आप करेंगे, अगली साल के आपकी खर्च का, पढ़ाई का पॉकेट खर्च अपने आप निकल जाएगा, कभी गरीब मां बाप के पास से 1 रुपया मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रिवॉल्यूशन लाने का प्रयास है। आज यहां 75 टाउनशिप कम कैश वाली, उसका लोकार्पण हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि जहां पर टाउनशिप में लोग रहते हैं, अलग अलग कहीं फर्टिलाइजर कंपनियों की टाउनशिप है, कहीं रेलवे वालों की टाउनशिप है, कहीं फौज वालों की टाउनशिप है, ऐसी 75 ने पूरी तरह अपने आप को कम कैश वाला किया है। तो जब मैंने इसकी पहली एक टाउनशिप कम कैश वाली बनी तो मैं उसका प्रेजेंटेशन ले रहा था। मैंने कहा सब्जी वाले का क्या इंटरेस्ट है, वो क्यों ये कारोबार में हार जोड़ता है। उसने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया सब्जी वाले ने। उसने कहा पहले ये जो टाउनशिप में ही मैं बेचने के लिए फुटपाथ पर बैठता हूं, सब्जी बेचता हूं, तो जो महिलाएं सब्जी खरीदने आती हैं, अगर बिल बन गया 25 रुपया 80 पैसा तो कहती थी लो 25 रुपया ले लो चलो चल जाएगा, वो 80 पैसे नहीं देती थी। कितनी भी अमीर परिवार की महिला हो, बड़े से बड़े बाबू की पत्नी हो, लेकिन 80 पैसा नहीं देती थी, ले लो 25 रुपया ठीक है चलो चल छूटा छोड़ दो। बोले इसके कारण क्या हुआ है, मुझे पूरा 25 रुपया 80 पैसा मिलता है। और बोले शाम को जो मेरा 15-20 रुपया कम पड़ जाता था, अब मेरा 15-20 रुपया मेरी एक्स्ट्रा इनकम ऐसे ही हो गई। अब देखिए कितना फायदा एक गरीब आदमी ने अपने पैसे ढूंढ लिया। लेकिन ये 75 टाउनशिप एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन हम लोगों की कोशिश रहनी चाहिए कि हम कम कैश की ओर देश को ले चले, हम इसमें योगदान दें। और ये जो रिवॉल्यूशन हो रहा है उसके हम स्वयं एक सिपाही बने, उस बात को हम आगे बढ़ाएं। मुझे विश्वास है कि आज जिन लोगों को इनाम मिला है और इतने कार्यकाल में करीब 250 करोड़ रुपए से ज्यादा इनाम मिले हैं, वे इनाम प्राप्त कर करके संतोष न माने। हजारों की तादाद में नागरिकों को इनाम मिला है, वे भी इसके एम्बेसडर बने, वे भी इस काम को आगे बढ़ाएं। ये देश में परिवर्तन लाने का नागरिकों की मदद से होने वाला एक बहुत बड़ा सफल अभियान है। मैं रविशंकर जी और उनके विभाग की पूरी टीम को और नीति आयोग को बड़ी बधाई देता हूं कि फूल प्रूफ टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने भरसक कोशिश की। दुनिया में जितने प्रकार की टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हुए हैं, इन सारी चीजों का स्टडी किया और उसमें से उत्तम भारत में क्या हो सकता है, भारत के सामान्य मानवी को, गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसको अपने कारोबार से चला सके, इतना यूजर फ्रेंडली विश्वस्त ये व्यवस्था विकसित हुई है। मैं फिर एक बार विभाग के सभी साथियों को बधाई देता हूं। मैं महाराष्ट्र सरकार का अभिनंदन करता हूं कि इस कार्यक्रम की रचना के लिए नागपुर को उन्होंने एक यजमान के रूप में उत्तम सेवा की। बहुत बड़ी मात्रा में आप सबसे मुझे मिलने का अवसर मिला।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।